टीवी ने और मोबाइल ने देख देख के सारी दुनिया बिगड़ होगी, फैशन में आगे टांग टक्कर आएगी। 80 साल का बुढ़ा ने देखोगे ना, वो भी बाला ने लाल कराई पाओगा। हाँ देखिए ताऊ मुंह बार जनू चुंग ताटा दिया। ये छोरी ने देख के ना जमानू दीदे पाड़ रहा था जनू आड़े जी निकलेगा। सोचना चाहिए, मोबाइल ने और टीवी ने देश का पट्टा गोल कर दिया। बनाई तो बढ़िया चीज थी लेकिन इनका इस्तेमाल गलत हो गया। देख देख के ने सबके में फैशन में आ गया। जो छोरे हैं वो छोरी बनना चाहो फैशन का नहीं थे, और जो छोरी है वो फैशन का नहीं तो छोरे बनना चाहो। देखिए जमाना आ गया, छोरे क्या करने लगे, फैशन का नहीं था, बड़े बड़े बाल रखने लगे, बिचली मांग पड़ने लगे, डाडी मूछ साफ, डाडी मूछ कटाई पद छोरा ऐसा लगा जनू बीन पद पैसे पड़ रखे हैं। यूए बहुत छोरी आगा भी हो रहा है, ये भी फैशन में टांग टेक करने लगी, आगे ने कटिंग कराने लगी, यहाँ डही तो बाला की सेटिंग कराने लगी, लांडी ही कुर्ती पीड़ी ही जींस, दूर तो देखने लग जाए तो बेरा को न पड़ता को छोरी खड़ी है को मलंग खड़ा है। लेकिन अपने इस एरिया में फर्क है, युद्धाती एरिया है, आड़ेगा पवन भी देखिए मन तो मजा आ रहा है, इस पवन में मारका नहीं बोला, ऐसा पवन जगह जगह का बदलाव है, मारका निशानी है, यहाँ पे बहुत मान मर्यादा है। भाई मुकेश ने बताई थी भाई थोड़ा सिस्टम बना के रखना, युद्धाती एरिया है, मारका थोड़ा मॉडर्न, रोहतक में चले जाओ, रोहतक तो उपरांत दिल्ली में चले जाओ, दिल्ली में तो फैशन का जमा चला फट रहा है। एक अपने देहात में तो बुढ़िया दिल्ली में चली गई, बेचारी दिल्ली में कदे गई ही नहीं थी, उसने के बेरा ऐसा फैशन भी चल रहा है, बस में चढ़ ली, सीट मिली को ना डंडा न पकड़ी खड़ी, गर्मी का भी ना बस चलती रही, कई देर होगी बस चलते चलते एक दो सीट छोड़ के न एक सीट पे एक छोरा बैठा पूरा काचा सुतरा छोरा, बड़े बड़े बाल रख रहा, डाडी मूछ साफ, एक कान में बाली पर रहा फैशन यू, चतली अंगली का नखून पाल सला रहा, हाथ में कड़ा पार रहा, आधिया बाह की बुरशिट बुरशिट पर फूल पाल भी चपरे। ताई की नंगा चली गई, ताई ने इतना फैशन कदे देख नहीं रखा था, ताई का बामे तो कितने छोरी बैठी है, मन मन में सोचना की को हो यानी उम्र छोरी का तो ना मांग में सिंदूर दिखता ना था में चूड़ी दिखती, बेचारी की ना जवानी है में गलत बन रही है, और बैठा छोरा लेकिन बेचारी ने देख को नहीं रखा था ऐसा जमाना। अरे कदे देख लियो तम, आदमी चुपचाप रह जाएंगे, छोरे चुपचाप रह जाएंगे, लुगाई 5-7 होंगी ना वो भी चुप ना रहे, किसी का 13 भी पजारी होंगी ना उड़े भी रोज जाके ना फिर दूसरी आंसू पूछ के दूसरी का कोनी मारेंगी, आए सोनू की बहू का के मैं हो लिया, ये चुप नहीं रहा करती। लुगाई तो उड़ा बुढ़िया तो डट्टा ना गया, कड़ा हाजी कर लिया फिर भी डट्टा नहीं गया, एक हाथ कल जा खड़ा हो गया को हो बेचारी गिल्ला माड़ी बने लिया, और बैठा छोरा करड़ा हाजी करके ने छोरे का सिर पर टेक दिया के बेटी माड़ा मन मत ना करिए, मैं भी तेरी उम्र में रांड होई थी। ये बैठा छोरा एकदम पाट के पड़ा, आई तेरे को शर्मानी चाहिए बोलने की तमीज नहीं, आए बेटी है कि मैं गाल तो नहीं दी, मैंने तो भलाई की कही है, के तने कोनी बेरा ए गड्डन जोगी क्या का कोनी बेरा, अक छोरा है छोरा, अक छोरा तो अपने ने पाल लिया गई सुख हो जाएगा। गल टेशन पकड़ के दोनों जने, छोरा तो सोचे बुढ़िया बेइज्जती करेगी, बस मैं 10 आदमियों में बेइज्जती करेगी के मुंह दिखाओगा, और बुढ़िया के बाह में पक्की छोरी बैठी, हो छोरी है या तो फिर पाट के पड़े एकदम छोरा, नोला ताई तेरे को शर्माणी चाहिए जमा पाछे लाग ली तू, आए बेटी है कि मैं गाड़ते नहीं दी, मैंने तो भलाई की कही है, के तने कोनी बेरा के ए गाडन जोगी क्या का कोनी बेरा, अक मर्द से मर्द अक बेटी कर लिया होगा रंडा पागे वो कट्टर है, मेरा पता बीतरी है। छोरा ने सोची आज तो बस मैं बुढ़िया बेइज्जती कराए करे, बस तो उतर के बाज लिया छोरा, बुढ़िया का फिर भी कुलमुलाट रह गया, अब छोरी थी रुक का मारा, एक अटन दोगी रुक जा नू बाजेगी तो किसी का नहीं बसाओगी।